एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताई थी। पहली बात तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से पहले, सबसे पहले देखो नॉन एरोमेटिक, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होती है जहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात, साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक को, साइक्लिक है। प्लेनर यानी वही बात, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कॉन्जुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ज़रा इन स्ट्रक्चर्स में से देखो तो तकरीबन ये सारे इस बात को पूरे उतर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक और कॉन्सेप्ट भी है, sp2 यानी प्लेनर होना, कॉन्जुकेटेड सिस्टम होना और साइक्लिक होने से दो बातें हो सकती हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कैसे पता चलेगा? देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहाँ भी 2 4 6 8, अगर 8 यानी 4 के टेबल में हो तो ये एरोमेटिक नहीं एंटी एरोमेटिक होता है, तो 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब ज़रा इसको देखो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, आप बोलोगे सर ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी है, तो 8 और 2 10 यानी हकल रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2, तो भाई यानी 10 इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हो 5 जो हैं जोड़े इलेक्ट्रॉन के। अब देखो वो ऐसे 5 बॉन्ड, बॉन्ड या लोन मेयर मिला के अगर 5 हो जाए तब भी एरोमेटिक होता है, जो देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो मेरे भाई एरोमेटिक इसके अंदर सिर्फ एक ही था, और वो कौन सा था? बी वाला, यानी ओनली 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।